समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के जननायक स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन पर भाजपा सरकार की जन विरोधी दमनकारी नीति के विरोध में महानगर अध्यक्ष शानिया अली शानू, निवर्तमान जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव व सपा वरिष्ठ नेता सैयद रईसुद्दीन नईमी के नेतृत्व में साइकिल रैली निकाली। गुरुवार को कोहिनूर तिराहे से विभिन्न स्थानों पर होकर भारी संख्या में 25-25 की टोलियों के साथ सरकार के विरोध में नारे लगाते हुए समाजवादी जिला कार्यालय पर समापन हुआ। वरिष्ठ सपा नेता रईसुद्दीन ने बताया, जन आंदोलन के नायक स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन के अवसर पर समाजवादी पार्टी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल रैली का आयोजन किया गया और मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी, नगर विधानसभा अध्यक्ष नाजिर खान, हाजी इफ्तिकार अली व वरिष्ठ सपा नेता सैयद रईसुद्दीन नईमी, अफरोज वारसी शिरीगुल, केसर अली कुद्दूसी, सलाउद्दीन मंसूरी, अरकान कुरैशी, हाजी उबेश नईमी, हाजी नासिर कुरैशी आदि ने जलपान के साथ भोजन वितरण किया। मैं हाजी सैयद रईसुद्दीन नईमी, प्रोपर्टी इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, वरिष्ठ सपा नेता जी। आज के संबंध को लेकर रैली निकाली, आज माननीय महा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आह्वान पर प्रदेशव्यापी साइकिल रैली निकाली गई। कहाँ से कहाँ तक? कोहिनूर तिराहा से और हमारे कार्यालय तक। इसमें आप और कुछ संदेश देना चाहेंगे? जिसका मकसद हमारे रैली का था वो भाजपा के कुशासन और 4.5 साल की नाकाम बैंक हुकूमत, बेरोजगारी और महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये रैली थी और हमें जनता का अपार सहयोग मिला और सही रैली बहुत कामयाब रही। और हमारा जो देह है, हमें 2022 इंशाल्लाह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे प्रदेश के, ऐसे हमारी कामना है।